सिविल हस्पताल अंदर जख्मी हालत च जेरे इलाज ये नौजवान एक सियासी रैली च इन्हां नाल जो होई बीती वह हैरान कर देने वाली है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया से खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो च साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ शरारती अंसर गुंडागर्दी करते हुए किस तरह कुर्सियां चुक चुक के मार रहे ने, जिस कारण इलाके च दहशत का माहौल बन गया। मामला है पठानकोट का, जिथे बीते दिन दौलतपुर श्री राम शरण मंदिर सामने साबका काउंसलर ते भाजपा आगू विजय चुन्नी ने वार्ड नंबर 19 ते 39 की सांझी रैली रखी हुई सी। पता लगन ते एक व्यक्ति ने रैली ना करन की धमकी दी। फिर शाम वेले जो कुछ वापरिया वह बेहद मंदभागा सी। मैं अपनी दुकान बंद की, मैंने पता लगे रैली है, तो मैं अपने रैली से गया BJP की रैली से। ठीक है, ये कुछ बंदा गोपी हो गया, लोंडी हो गया, गांधी हो गया, मुकेरिया का अब्बी हो गया, फिर संजू हो गया, तो अपने पोपो ये बंदे अपने 20-25-30 मुंडे लैके खड़े ही। मैं उन्होंने इन्नी गल किया, मैं क्या की करन दे। इस तो बाद आके बस कुर्सी उन्होंने दातर कपाना सर। आप तो कोई नहीं, मैं तो गाँव बात की, मैं तो रैली तो आए BJP से, बस वो कांग्रेस वर्कर ही तुम पता ही। मेरे तो रत्ते लगी है अपने सिर ते, बाकी शरीर ते लगी है। सर यही मंग तो प्रशासन करते हैं कि वो अपने वैसे बाहर आया था, उन्होंने अंदर करो, उन्होंने कट के गैंगस्टर है बंदा, वो चिट्टा बेचता, बाकी नाल दे मुंडे जिहड़े आ चिट्टा चुट्टा सारे पींदे हैगे आ। अश्विनी प्रधान जी रैली रखी थी वार्ड नंबर 19 ते वार्ड नंबर 39 सांझी रैली से दौलतपुर वड्डे। दुपहरी मैं अपने ससुराल गया, मेरे मामे को डैथ हुई थी, मैं उसे पगड़ी में गया। मैं यदा लौंडी का फोन आया भी यह रैली मैं नहीं होनी, मैं क्या तेरी दुश्मनी अश्विनी प्रधान ना होएगी साढ़े कहीं तेरी दुश्मनी रैली तो हो तो जिन्होंने वोटा पानी पा जो नहीं ना पा। मैं एक रैली है, मैं क्या हूँ मेरे इन्हें फोन पर ही धमकी देती भी मैं इतने गोलियां चला देंगे, मैं कर देंगे, मैं कर देंगे। मैं क्या यहोजे ड्रामे ने छो नहीं चंगा नहीं बंदा लगता, रैली हो नहीं करो पानी। मैं चलो मैं 4 बजे वापस आया ससुराल तो 4 बजे आके मैं कुर्सियां लानी शुरू कर दियाँ। इन्हें हौली हौली करते मुड़े 50-60 अपने एक ठेके ठाके ने शराब के, इतने मुड़े अपने सद रहे सद के, तो उन्होंने पिछले पास खो गए। एक ने मैक मंगा लिया, स्पीकर मंगा लिया, जिस तरह मैं स्पीच कर लगा उस तरह अगो यह भी स्पीच कर लग पे। उत्थे लोगों घर घर जा कहते ना आयो ना आयो, लेकिन लोग फिर भी 400-500 की हाजरी में लोग पहुँच गए। ये लोगों को वापस करन रहे, तो धमका के भी चल जाओ, इतने गोली चल पैनी है, इतने डांगा चल पैनी, इतने ए हो जाना, इतने ए हो जाना। चलो जो लोग डर गए वो निकल गए बेचारे जानी चुनिया, कुछ तो बैठी रही हूँ। तो मैं अजय रैली प्रधान जी ने आना सी, तो मेरे बेटे ने कहा इन लौंडी गल ना कर, चंगा नहीं बंदा लगता, परिवार की गल ना कर। इन्हें गल नहीं सुनी, मतलब हो करके ये नाल दे मुड़े ही 12-13 नाले तो बाकी जिन्हें भी आए कुर्सियां चुके मार कर दी। पता नहीं लगा 10-15 मिनट के बीच भी हला हला करके किसी ने वो ग्रिप मारता, किसी चाकू मारता, किसी कुर्सियां मार दी, मार मुके नस नुस गए। सूचना मिलदिया पठानकोट तो भाजपा के उम्मीदवार ते पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने मौके पर पहुँच के हालात का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सवाल चुकदिया कहा कि रैलियां से सुरक्षा की कमी कारण गुंडागर्दी का यह नंगा नाच होया। उन्होंने कहा कि यह एक सियासी पार्टी की साजिश है। यह मैं लगता कि बिना किसी शहर की इस प्रकार की गुंडागर्दी नहीं हो सकती। लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी अपनी रैली यूज करने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार 40-50 लोगों गुंडिया बाहरों लिया के साडे कार्यकर्ता से हमला होया, उन्होंने सिर फटे ने, यह इस गल का संकेत है कि प्रशासन जिहड़ा कानून व्यवस्था बना के रखने च नाकाम जावे। इस मामले च सिविल हस्पताल दा कहना है कि जख्मी व्यक्तियों की हालत स्थिर है ते उन्हां दा इलाज चल रहा है। इन्हां दे सट्टां लगियां होईयां ने, फिलहाल फर्स्ट एड चल रही है, पेशेंट स्टेबल ने, फिलहाल स्टेबल ने। हाँ जी, सब दी फर्स्ट एड चल रही है, फिलहाल पर्ची बनेगी है, तो हुण मैं इन्हां दी MLC रिपोर्ट तैयार करूँगा। 2-3 या मैक्सिमम 4 टांके, इस तो ज़्यादा नहीं लगे। इस मामले च पुलिस ने 9 दोषियों के खिलाफ IPC की धारा 307, 323, 324, 506, 148 और 149 के तहत मामला दर्ज कर 3 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया, तो बाकियों की भाल जारी है। हकीकत टीवी पंजाबी लई पठानकोट तो अवतार सिंह की रिपोर्ट।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਭੈਰਵ ਜੋਤਿਜ ਸੰਸਥਾਨ ਪੰਡਿਤ ਕੇ ਆਚਾਰੀਆ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 93525-75867। 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਖੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲੇ, ਔਲਾਦ ਸੁੱਖ, ਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ, ਮਨ ਚਾਹ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੁੱਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਚ ਤੜਫਦਾ ਦੇਖੋ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 93525-75867।